हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं क्ल्यू मार्ट का कैंपिंग स्टोव और साथ में है हैंस के ब्यूटेन सिलेंडर्स। ये ऐसे पाउच में इसकी पैकिंग है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज है, आप देख सकते हैं हाथ में ही पूरा फिट आ जा रहा है। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। ये है जी क्ल्यू मार्ट का कैंपिंग स्टोव। सिलेंडर भी निकाल ही लेते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग की हुई है। इसको लगा कर देखते हैं। अभी इसके एक साइड यहाँ पे आपको दिखेगा कट, वो यहाँ पे एडजस्ट होगा स्टोव के। पहले नीचे की तरफ सेट करना है और फिर ऐसे पुश करके थोड़ा सा रोटेट कर देना है और आपको चेक करना है कि कहीं लीकेज की साउंड तो नहीं आ रही है। स्मेल से भी आपको पता लग जाएगा। ये है नॉब गैस ओपन करने के लिए और ये है लाइटर। ये हल्का स्पार्क दिख भी रहा होगा। तो अभी नॉब जीरो पर है तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। इसको लाइट करके देखते हैं। हल्का सा मैंने नॉब ओपन कर दिया है तो आप साउंड सुन पा रहे होंगे। निकालना भी हो तो उसके पहले आप नॉब को अच्छे से क्लोज करिए। उसके बाद पहले अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया था तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर एकदम से बाहर की तरफ पुल कर लेंगे, तो इससे आपकी गैस लीकेज नहीं होगी।
इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं सिलेंडर को स्टोव से। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लग रहा है, लाइट वेट, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो ये था क्लू मार्ट का गैस स्टोव और हैंस का सिलेंडर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।